धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की भी इसी दिन आराधना की जाती है। धनतेरस के दिन बर्तन और सोने चांदी समेत किसी धातु की वस्तु खरीदना शुभ मानते हैं। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का ही प्रतीक है, ऐसे में धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी शुभ होता है। वहीं इस वीडियो में आइए जानते हैं कि झाड़ू खरीदने के बाद आपको क्या करना है और झाड़ू की पूजा क्या करें, साथ ही पुराने झाड़ू का क्या करना होगा। बाजार में कई तरह की झाड़ू बिकती है, लेकिन धनतेरस के खास मौके पर झाड़ू खरीदते वक्त आप केवल सीखों और फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। मान्यता है कि इस तरह की झाड़ू खरीदकर घर लाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। वहीं धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने के लिए बाजार जाएं तो ध्यान रहे कि घनी झाड़ू खरीदें। झाड़ू जितनी घनी होगी उतना सकारात्मक प्रभाव होगा। अगर धनतेरस पर सीख वाली झाड़ू खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि झाड़ू की सीख टूटी हुई न हो। इस तरह की झाड़ू को खंडित मानते हैं। मान्यता है कि टूटी सीख वाली झाड़ू दरिद्रता ला सकती है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन प्लास्टिक की झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। प्लास्टिक की झाड़ू इस पावन मौके के लिए उपयुक्त नहीं होती। वहीं झाड़ू को हमेशा सम संख्या में लेना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8। ऐसा करने से धन की देवी प्रसन्न रहती हैं। कहा जाता है कि पुरानी झाड़ू को धनतेरस के बाद घर के किसी भी काम में इस्तेमाल नहीं करें। धनतेरस पर आधी रात के बाद इसे घर से बाहर निकाल दें। वहीं धनतेरस के बाद नई झाड़ू खरीदने के पश्चात उसकी पूजा भी करें। नई झाड़ू पर हल्दी, कुमकुम, चावल आदि लगाएं। उस पर सफेद रंग का धागा बांधें, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर पर बनी रहें। उसके बाद अगले दिन से आप झाड़ू का इस्तेमाल घर की साफ सफाई के लिए कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।